बच्चों, बात करेंगे अब हम स्टेशनरी कंज्यूम के बारे में। तो मैं एनपीओ के अंदर आप लोगों को स्टेशनरी कंज्यूम निकालना सिखाना जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान रखिएगा, स्टेशनरी कंज्यूम्ड के साथ साथ आप स्पोर्ट्स मेडल कंज्यूम निकालना या मेडिसिन कंज्यूम्ड वगैरह निकालना। जो तरीका मैं स्टेशनरी कंज्यूम के लिए लगाऊंगा, वही तरीका आपको मेडिसिन कंज्यूम या फिर स्पोर्ट्स मेडल कंज्यूम के लिए फॉलो करना होगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है, जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं उनमें जितना ये साल भर में कंज्यूम्ड हो जाता है उतने को ही एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है, ना कि जितना परचेज किया या फिर जितना आपने इनके लिए अमाउंट पे किया फॉर दीज आइटम्स। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं स्टेटमेंट की, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स एंड हाउ मच दे हैव बिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द गिवन ईयर। उसके लिए हम सबसे पहले जो है शुरुआत करते हैं अपने स्टेटमेंट की। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, मैंने कहा स्टेशनरी की जगह आप स्पोर्ट मटेरियल या मेडिसिन भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यू हैव टू स्टार्ट विद अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंड देन उसमें आपको क्राइटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ द ईयर प्लस करना होगा। अगर आपने क्राइटर्स एंड के प्लस किए हैं तो क्राइटर्स एट द बिगनिंग आपको माइनस करना होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर आपने कोई एडवांस भी पे कर रखा है टू द क्राइटर्स, तो उसमें एडवांस में आपको ध्यान रखना है कि जो भी एडवांस आपने एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर पे किया होगा उसको वापस प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, एंड एडवांस जो भी आपने एट द एंड ऑफ द ईयर होगा उसको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो क्राइटर्स में तो आपको एंड का प्लस करना है, बिगनिंग का माइनस, मगर एडवांस में आपको बिगनिंग का प्लस करना है और एंड का माइनस। इससे आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड बिल्कुल नहीं निकलेगा, उससे आपका निकलेगा क्राइट परचेज ऑफ स्टेशनरी। तो याद रखिएगा, अमाउंट पेड में अगर आपने अभी सिर्फ क्राइटर का ट्रीटमेंट किया है और उसका ट्रीटमेंट किया है भला व्हाट यू कॉल एडवांस का, तो उससे केवल क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी आ जाएगी। एंड समटाइम्स क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी बहुत ज़रूरी होता है निकालना, ज़्यादातर कंज्यूम्ड ही मांगा जाता है, बट समटाइम्स यू शुड नो कि क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी कितना है या क्रेडिट परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम कितना है। ठीक है, स्पेशली तब जब आपको परचेजेस निकालनी हो या फिर आपको कैश परचेज निकालनी हो जो कि परसेंटेज ऑफ क्रेडिट परचेज या फिर परसेंटेज ऑफ टोटल परचेज के बन हो। ठीक है बच्चों, तो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर में क्राइटर का ट्रीटमेंट कर लिया आपने, एडवांस का ट्रीटमेंट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना होता है बच्चों, उसके बाद आपकी क्रेडिट परचेज निकल आती है। अगर कोई कैश परचेज है तो उसको भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और उससे आपका टोटल परचेज आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, कैश परचेज को ऐड करते ही आपकी टोटल परचेज आ जाएगी, और एक बार जब आपकी टोटल परचेज आ जाएगी फिर आप स्टॉक का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपने कोई स्टेशनरी कुछ बेची भी होगी तो जो भी बेची होगी उसका आपको बुक वैल्यू माइनस करना होगा, ना कि उसका सेलिंग प्राइस। क्लियर, तो बहुत रेयर होता है अगर कोई स्टेशनरी आपने बेची भी है तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द सेल बुक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेशनरी सोल्ड, नॉट द सेलिंग प्राइस ऑफ द स्टेशनरी सोल्ड। तो इस तरह से आपका स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकल आएगा बच्चों। तो यू हैव टू स्टार्ट विद अमाउंट पेड, देन यू हैव टू एड क्राइटर्स एट द एंड बिकॉज दे बिलोंग्स टू द करंट ईयर, एंड सब्ट्रैक्ट क्राइटर्स एट द बिगनिंग बिकॉज दे बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर। एडवांस में अपोजिट करिए, एडवांस बिगनिंग का जो होता है वो प्रीवियस ईयर में पे किया गया था फॉर द करंट ईयर, दैट्स वाई इसको ऐड करते हैं। एडवांस एट द एंड माइनस करते हैं बिकॉज इट इज पेड इन द करंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। उससे क्रेडिट परचेज आ गया, कैश परचेज जोड़ दिया, सेल अगर कोई है तो माइनस कर दिया, उससे नेट परचेज आ गया, फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। ओपनिंग स्टॉक इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ही है जो आपका गिवन ईयर में कंज्यूम्ड हुआ होगा, और क्लोजिंग स्टॉक में को इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि वो कंज्यूम्ड ही नहीं हुआ, दैट्स वाई। और आपका फाइनली स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकल आता है। आप देख सकते हैं बच्चों, ये रहा। अब ये तो गया जो कंज्यूम निकल कर आया, अब इस कंज्यूम को शो कहाँ करते हैं। तो
तो इस जो भी आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड हुआ है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड शो किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि हमें एक्सपेंडिचर साइड इसको शो करना चाहिए। डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, जो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी है वो बैलेंस शीट में जाएंगे ऑन द लायबिलिटी साइड, ओपनिंग वाले ओपनिंग लायबिलिटीज में जाएंगे, क्लोजिंग वाले क्लोजिंग में लायबिलिटीज में जाएंगे। एंड जो भी आपने एडवांस पे किया है और जो भी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, ये दोनों आपके एसेट्स हैं, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे या ओपनिंग में जाएंगे, डिपेंड्स कि आपको कौन से दे रखे हैं, ओपनिंग डेट के दे रखे हैं या क्लोजिंग डेट के दे रखे हैं, उसी हिसाब से ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे, मगर जाएंगे ऑन द एसेट साइड ही। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी जो है आपका लायबिलिटी है, बट स्टॉक और एडवांस आपका एसेट है। जो भी बेचने पर आपको गेन या लॉस हुआ होगा, उस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, गेन प्लस के आ जाएगा, सॉरी नॉट प्लस के आ जाएगा, गेन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो किया जाएगा यानी क्रेडिट साइड शो किया जाएगा, और लॉस ऑन सेल को डेबिट साइड शो किया जाएगा यानी एक्सपेंडिचर साइड शो किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको स्टेशनरी कंज्यूम निकालना बता दिया है स्टेटमेंट के थ्रू, और मैंने आपको इवन परचेज निकालना भी बता दिया है, अगर आप क्रेडिटर का ट्रीटमेंट करेंगे और एडवांस का ट्रीटमेंट करेंगे तो किससे आपको परचेज निकल कर आएगा, फिर उस परचेज में आपको जो है स्टॉक का ट्रीटमेंट करना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, कैश परचेज अगर होगी तो प्लस कर दीजिएगा, सेल अगर होगी तो उसकी बुक वैल्यू माइनस करिएगा, ये बहुत दोनों रेयर ही होते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। और सेल होने पर जो भी गेन होगा वो इनकम साइड में शो किया जाएगा, और जो लॉस होगा वो आपका एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाएगा। ठीक है बच्चों, दैट्स वाई। और इस तरह से आपका ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, जो भी कंज्यूम निकल कर आया वो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो किया। ठीक है बच्चों, थैंक यू।